हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर बिच्छू काट ले या डंक मार दे तो उसके जहर को आप केवल 10 सेकेंड में कैसे कम कर सकते हैं। आपको तो पता है फ्रेंड्स, बिच्छू जो है कितना जहरीला और खतरनाक जीव है। उसके डंक मारने या काटने से ना इतना ज़्यादा जलन होता है, असहनीय पीड़ा होता है, और कभी कभी तो बिच्छू का जो जहर होता है वो जानलेवा भी होता है। तो इसी जहर को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आपके साथ फॉर्मूला शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ऐसे टिप्स बताऊंगी 3-4 आपको कि उसको प्रयोग करके आप उसके जहर को बिल्कुल कम कर सकते हैं। बिच्छू अगर काट ले या डंक मारे तो हम तुरंत डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बिच्छू का जहर इतना खतरनाक होता है कि उसके डंक मारते ही तुरंत 1 सेकेंड में उसका जहर का असर जो है शुरू हो जाता है। तो उसको हम उसी समय कैसे कंट्रोल कर सके जिससे उसके जहर हमारे शरीर में और ना फैले, उसके लिए बहुत ही अच्छा छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जो बहुत ही कारगर है बिच्छू के जहर को उतारने के लिए। तो सबसे पहले बिच्छू अगर आपको काट ले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस जगह के थोड़ा सा ऊपर भाग पे आप कस कर कोई रस्सी या कपड़े को अच्छे से टाइट बांध ले ताकि उसका जहर जो है ऊपर और ना चढ़े। फिर आगे की टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है फिटकरी, ये भी बहुत काम का चीज़ है बिच्छू के जहर को कम करने के लिए। बस हमें पता होना चाहिए कि फिटकरी का यूज़ कैसे करना है। अगर हमें बिच्छू काट लिया है या डंक मारे हैं तो उसके जहर को उतारना है तो इसको कैसे यूज़ में लाए जिसे फिटकरी से बिच्छू का जहर तुरंत ही उतर जाए, तो फिटकरी को यूज कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आग जलानी पड़ेगी फ्रेंड। कोई भी तवा कढ़ाई आप जो भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप आग जला लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद हमें क्या करना है, फिटकरी को पिघलाना है। फिटकरी का टुकड़ा मैंने ले लिए है। अब आप इतना सा टुकड़ा ले सकते हैं और इसको पिघला सकते हैं। जैसे आपको बिच्छू डंक मारा है, काटा है, तो इतना से टुकड़ा में काम चल जाएगा। आप इसको गर्म करने के लिए तवे पर चढ़ा दीजिए। अब इसको हम हाथ से नहीं छुएंगे, गर्म होगा पिघलने लगेगा इस तरीके से। देखो देखिए गाइस, इस तरीके से जैसे ही पिघलेगा हमें हाथ से नहीं पकड़ना है, चिमटी वगैरह ले लेना है और जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है ना उसी जगह पर इसको आहिस्ता धीरे से रखना है। देखो इस तरीके से पिघलेगा, ये पिघल कर टपकेगा। तो इसी को हमें क्या करना है, जिस जगह पर बिच्छू डंक मारा है, जिस जगह को काटा है, उसी जगह पर इसको लगा कर रखना है। ये तुरंत बिच्छू के जहर को उतार देगा। आपको कोई जलन नहीं होगी, कोई भी पीड़ा नहीं होगी। जिस समय जब बिच्छू काटा रहता है ना तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उस समय अगर आप इसको लगाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम गर्म फिटकरी को वहां पर रख रहे हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका जो झार रहता है ना, उसका जो जहर का, वो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होती है। तो इस तरीके से फिटकरी को आप रख दीजिए, इससे बिच्छू का जहर जो है वो कम हो जाएगा। तो चलिए आपको और दूसरी टिप्स बताती हूँ मैं जिससे आप बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। बिच्छू के जहर को आप माचिस की तीलियों के मसाले की सहायता से भी उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ले लीजिए माचिस, उसमें का आप 4-5 तीलियां ले लीजिए और उसमें से तीली से आप मसाला को निकाल लीजिए। इस तरीके से इसमें का मसाला निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से मसाला को निकाल लो, ऐसे आप हाथ से रगड़ेंगे ना तो इसमें का सारा मसाला निकल जाएगा। फिर मसाला जब निकल जाए तो जिस जगह पे आपको बिच्छू ने काटा है या डंक मारा है उस जगह पे आपको इस मसाले को लगाना होगा। आप देखेंगे कि केवल 2 से 3 सेकेंड में अपना असर चालू कर देगा, काम करना चालू कर देगा। इससे आपको जो जलन पीड़ा होगी ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे तो बिच्छू काट ले तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसका जहर जानलेवा भी होता है। ये तो छोटी छोटी टिप्स है जिसके चलते हम बिच्छू के जहर के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये आपको राहत बहुत अच्छा दिलाएगा। तुरंत के लिए आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, ये माचिस का मसाला बहुत ही अच्छा काम करता है।
ये देखो फ्रेंड्स, इसको तो आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। ये है इमली का बीज। इमली जो हम खाते हैं ना, उसी का बीज है। बीज को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। इमली का बीज जो है बिच्छू के जहर को उतारने के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स है, बिल्कुल ही घरेलू आयुर्वेदिक है ये, बिल्कुल गाँव में आजमाया जाने वाला। अगर आप पूछेंगे ना गाँव में कि बिच्छू अगर काट ले, डंक मार ले, तो उसके जहर को कैसे उतारे, तुरंत कैसे राहत पाए, तो आपको बताएंगे कि इमली का बीज जो है बहुत ही अच्छा दवा के रूप में काम आता है। तो इसको कैसे यूज करना है वो आपको बताती हूँ। तो इमली के बीज हमें ले लेना है और इसको किसी साफ पत्थर पर रगड़ना है। पत्थर आपको बिल्कुल साफ सुथरी लेनी है। तो इस तरीके से आप कोई भी साफ पत्थर ले लीजिए और उस पर अच्छे से रगड़िए। पत्थर आप खुरदुरी ले और उस पर आपको 4 से 5 मिनट तक इसको रगड़ना है। रगड़ते रगड़ते देखेंगे कि इसमें का जो सफेद भाग है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे आप थोड़े से खुरदुरी पत्थर पर रगड़ेंगे ना, तो 5 मिनट के बाद ये इस तरीके से बीज का सफेद भाग ऊपर आ जाएगा। इसी भाग को आपको जिस जगह पर बिच्छू डंक मारा है, काटा है, उसी भाग पर इस तरीके से रखना है। ऐसे प्रोसेस आप 3-4 बीजों को घिस कर उसमें का सफेद भाग निकाल लीजिए और उस जगह पर आप रखिए। आप देखेंगे कि बिच्छू के डंक मारने काटने से जो जलन जो पीड़ा हो रही है ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत होने लगेगा। फिर भी आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ये सब घरेलू आयुर्वेदिक टिप्स है, इससे आपको कुछ समय के लिए राहत तो मिलेगी, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए। लेकिन तुरंत राहत पाने के लिए आप इस तरीके से बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके दर्द को बिल्कुल ही कम कर देगा। और तरीका आपको बता रहे फ्रेंड्स, ये देखो, ये है बेशरम का झाड़। आप देखिए, गांव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, शहरों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसको जहां पर भी फेंक दो ये उग जाता है। अगर आपके तरफ इसको दूसरे नाम से जाने जाते होंगे तो आप इसको झाड़ के देख के समझ जाएंगे, इसके पत्तियों को, इसके फूल को देख के समझ जाएंगे कि मैं इसी झाड़ की बात कर रही हूँ। इसको हमारे तरफ बेशरम बोलते हैं। ये जो झाड़ है ना, वो बिल्कुल ही चमत्कारी झाड़ होता है फ्रेंड्स। बोलते हैं इसको ये जहरीला झाड़ होता है। बेशरम का जो डंठल होता है उसको हम तोड़ेंगे, उसके पत्तियों को तोड़ेंगे, तो उसमें से जो दूध बाहर आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। अगर बिच्छू काट लिया है, डंक मार लिया है, तो इसके पत्ती भी बहुत ज्यादा असरदार करती है, पर सबसे ज्यादा असर इसका दूध करता है। अगर आपको कहीं पर बिच्छू ने डंक मारा है, काटा है, तो उस जगह पर आप इसके पत्ती का लेप बनाकर लगाएं या फिर इसके दूध को लगाएं, वो तुरंत ही जहर को खींच लेता है, क्योंकि इसका दूध भी जहरीला होता है, इसका पत्ती भी जहरीला होता है। बिच्छू के डंक मारने और काटने के साथ साथ अगर आपके स्किन पर कहीं दाग धब्बे, दांत खाद खुजली है ना, तो उसको भी इसका दूध जो है बहुत ही जल्दी दूर करता है। दांत में अगर पैरिया वगैरह हो गया है, तो उस जगह पर इसको दूध को लगाने से पैरिया को जड़ से खत्म करता है, लेकिन इसको बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। अगर दांत वगैरह में है तो उसको लगाकर उसके मुंह में जो थूक आता है उसको बाहर फेंकना पड़ता है, लेकिन इसका प्रयोग आप लोग बच्चे को ना कराएं। और अगर आपकी स्किन पर कहीं मोच आ गया है ना, तो उस जगह पर आप बेसरम के पत्ती का पेस्ट बनाकर उसको लगाकर कपड़े से बांध दीजिए। 3-4 बार ऐसा प्रोसेस कीजिए। अगर कहीं मोच वगैरह आ गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। कहीं सूजन आ गया है मोच के वजह से तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। और अगर कहीं दांत खाद खुजली है तो उस जगह पर इसके दूध को लगाने से भी दांत खाद खुजली ठीक हो जाता है। बिच्छू के डंक मारने या काटने का जहर को उतारने के लिए बेशरम की पत्तियां जो है आपको प्रायः गांव में इसी को सजेस्ट करेंगे। इसे उतारते हुए हमने बहुत लोगों को देखा है। इससे फ्रेंड्स आपको आप तक ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि आपको कभी भी बिच्छू डंक मार लिया है, काट लिया है, तो इन सब ट्रिक का आप इस्तेमाल कोई सा भी कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। इस ट्रिक को आजमाने के साथ साथ आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के और नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब।